नहीं भाई, जैसे आपने क्रिकबस के बारे में बताया कि आपने इस आर्टिकल्स लिखे, फिर स्पोर्ट्स कीरा, देन क्रिकबस हैपेंड, देन स्टार स्पोर्ट्स हैपेंड। अभी जैसे लखनऊ जैसे सिटीज है, आई मीन इट इज अ मेट्रो सिटी, बट आपको मुझको दोनों को बताया कि इट डज नॉट हैव वेरी बिग अपॉर्चुनिटीज। अगर दिस आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी चाहिए, स्पेशली इन मीडिया, तो आपको बैंगलोर, नोएडा, मुंबई, यही दो तीन सिटीज आपको मिलती हैं, स्पेशली नोएडा एंड मुंबई। तो या अभी जैसे बहुत सारे यंग व्यूवर्स होंगे, कुछ लोग स्कूल में होंगे जो हम लोग को सुन रहे होंगे, या जैसे मैंने आज 2 साल पुराना आपका पॉडकास्ट देखा, कोई और इसको 4 साल 5 साल बाद देखेगा। तो आप जैसे ग्राउंड लेवल से अगर किसी को शुरू करना हो, सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा सा समराइज, जैसे आपने किया कि इतने चैलेंजेस होते हैं, ये होता है, वो होता है, ट्रैवल एंड प्रिपरेशन, या क्योंकि ये दूर से देखने में लगता है कि क्या मस्त जिंदगी है। उठे, क्रिकेट के बारे में तो हम सब लोग बात करते हैं, हम लोग बिल्कुल यूट्यूब पे बिल्कुल बात करते हैं, लोग अपने ड्राइंग हाँ रूम में बात करते हैं, उनको लगता है ये बढ़िया है यार, माइक पकड़ा, धोनी कोहली किया, जहीर खान से बात की, सहवाग से बात की, दो चार पैसे अंग्रेजों से कमाए खूब बात की, सारे, पैसे हाँ पैसे कमाए, पैसे फ्री का कमाए खूब खाना, सारे। फ्री की फ्लाइट, फ्री का होटल, रात में सो गए, मस्त जिंदगी है। तो इसके चैलेंजेस, और अगर कोई मीडिया में, खास करके स्पोर्ट्स मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग में अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है, तो अगर आप छोटा सा उसको समराइज करो, खास करके छोटे शहर के लोग जिनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, वो कहाँ से शुरू करें और कितना वक्त, क्योंकि सब हम लोग आजकल हम लोग सब लोग चाहते हैं कि फटाफट काम हो जाए। जैसे आपने हाँ बताया कि आप बिल्कुल 5 साल क्रिक बस में थे, काफी सारे लोग ये सुन के ही क्विट कर देंगे, यार 5 साल कौन बैठेगा क्रिक बस में, हमको उससे तो भी ज्यादा। स्टार में मैंने मैंने चाहिए। आपको बताया ना, मैं 2015 में मैंने डिसाइड करा था कि मुझे स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर बनना है अहमदाबाद में, जी उस ग्राउंड पर। 8 साल बाद 2023 में उसी ग्राउंड पर, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ इंस्टाग्राम पर, आप बाद में अपने एडिट पे भी लगा मैंने लेना। देखी है, मैंने आपने देखी देखा है है वो आपकी, फोटो? हाँ, वो देखा है मैंने, आपने आईपीएल के बाद ही पोज ये मेरा डाला पहला फोटो है उसी था ग्राउंड पर 2015 में। जी मैंने मैंने देखा कि गौरव कपूर और हर्षा भोगले, उनके चेहरे पर लाइट्स चमक रही हैं और वो ग्राउंड पर खड़े होकर बात कर रहे हैं। 8 साल बाद मैं और कैफ भाई, हमारे चेहरों पर लाइट्स चमक रही हैं और हम उसी ग्राउंड पर खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो टू समराइज इन टू पार्ट्स, फर्स्ट द चैलेंजेस, इट्स नॉट ईजी। और ये बात मुझसे कोई भी पूछता है तो मैं कहता हूँ, और इट्स नॉट ईजी हर फील्ड में यही जवाब है। आपको अगर बहुत अच्छा लॉयर बनना है, एब्सोल्युटली इट्स नॉट इजी। आपको बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, इट्स नॉट इजी। आपको बहुत अच्छा म्यूजिशियन बनना है, इट्स नॉट इजी। मगर हमारे जैसे फील्ड्स में, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो जो भी क्रिएटिव फील्ड्स होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई हायरार्की नहीं है। आप जी एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट, प्रिंसिपल एसोसिएट, पार्टनर, मैनेजर, मैनेजिंग पार्टनर, ऐसा कुछ नहीं है ना। कोई कभी सुना नहीं ना आपने, सीनियर एंकर, प्रिंसिपल एसोसिएट जी एंकर। एंकर तो एंकर है यार, म्यूजिशियन तो म्यूजिशियन है। टैलेंट बेस्ड इंडस्ट्रीज में इसीलिए वंस यू मेक इट, यू मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड अ लॉट ऑफ नेम, बट अंटिल यू मेक इट, यू डोंट मेक मनी एट ऑल एंड यू डोंट मेक एनी नेम एट ऑल। यू डू एवरीथिंग। मैं एंकर था भी, लेकिन जब मैं एंकर की तरह हायर भी हुआ था और बहुत सारी जगहों पर, क्रिकबस से पहले भी जब मैं हायर हुआ, मैंने सारे काम करे यार। मैं एडिट करता था, मैं लिखता था, जब मैं इंटर्न था तो मैं कॉफी भी बनाता था, मैं ट्राईपॉड भी लगाता था। मैंने मुंबई इंडियंस के लिए जब काम करा है तो एक शो करते थे हम, कैप्टन्स कॉर्नर, रोहित शर्मा को इंटरव्यू करना था, उसमें मैंने ट्राईपॉड लगाया, उसी एक शो के लिए ट्राईपॉड लगाया, कैमरा लगाया, एक माइक आगे रखा, एक बैकअप माइक यहाँ रखा इस हाथ में, क्योंकि टेबल नहीं थी सामने, छोटी सी टेबल थी, उस पर रोहित की कॉफी रखी थी। इस हाथ पर माइक रखा, अपनी लैप पर फोन रखा और एक और हैंड हेल्ड कैमरा, क्योंकि बी रोल कहते हैं उसको, दो कैमरास होने चाहिए, एक और हैंड हेल्ड कैमरा इस हाथ में ऐसा गिम्बल पर, और ऐसे सवाल पूछा है मैंने रोहित से। तो सब करा है और सबको करना पड़ता है। और मैं कोई मैं आज बखान नहीं बताना चाहता कि नहीं, मैंने तो बहुत स्ट्रगल, सब स्ट्रगल करते हैं। कोई ऐसा इंसान जो आज कहीं भी पहुंचा है वो बिना स्ट्रगल के नहीं पहुंचा है। और इसको स्ट्रगल कहना भी गलत है यार। मुझे तो तब भी, भगवान कसम, मुझे इतना मजा आता था ना वो करने में, उस समय मुझे रत्ती भर स्ट्रगल नहीं लगती थी वो, और ना आज लगती है। बट चैलेंजेस बहुत होते हैं। और ये नाउ टू द सेकंड पार्ट, हमारे जैसे शहरों से जो बच्चे आते हैं, क्योंकि हमारे पास तो आई थिंक, जब आप बॉम्बे, दिल्ली ऐसे शहरों में बड़े होते हैं तो एक एडवांटेज जो आपके पास होता है, मुझे ऐसा लगता है अभी भी कि जो छोटे शहरों से हम बच्चे आते हैं, हमारे पास ज्यादा एडवांटेजेस हैं बड़े शहरों के बच्चों के कंपेरिजन में। मगर वो अगर कैसे? एक एक बताता हूँ, वो भी बताता हूँ मैं, बट अगर एक एडवांटेज है बड़े शहर के बच्चों के पास, तो वो एक्स्ट्रा सेंस ऑफ अवेयरनेस का एडवांटेज है।
कि यार स्टार वाले, ओके अच्छा कोई ना कोई आप किसी को जानते हो स्टार की किसी डिवीजन में काम कर रहा होगा, तो आपको पता तो है कि ये स्टार का ऑफिस है, यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है, आप चार आदमी को मिल सकते हो। मैं अपनी इंडस्ट्री की बात बता रहा हूँ, बाकी की नहीं बता रहा। जी टू आंसर योर सेकंड क्वेश्चन एंड टेक अ स्मॉल डिटूर, आई थिंक हम जब छोटे शहरों से आते हैं तो हमने जो चैलेंजेस फेस किए होते हैं, हमने जो हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है ना, वो इतने चैलेंजेस से भरी होती है। नॉट टू से कि बड़े शहरों में नहीं भरी भरी होती, लेकिन छोटे शहरों में कुछ ज्यादा ही होती है। और वो अब जैसे बड़े शहर बॉम्बे में लाइट ही नहीं जाती यार, कभी बॉम्बे वालों को पता ही नहीं है कि जब लाइट चली जाती है तो आप गली में निकलकर मोहल्ले में कितने मजे करते हो, जब आप छोटे होते हो खेलते हो, है कि नहीं? हम सबने करा है, गर्मियों में चली जाती थी लाइट तो हम तो चले जाते थे, मेरी नानी के मोहल्ले में खूब घूमते थे, हम खेलते थे। तो उन एक्सपीरियंसेस से जो आपकी पर्सनैलिटी बनती है, आई थिंक दैट होल्ड्स फार मोर वैल्यू देन एनीथिंग इन टूडेज वर्ल्ड। शायद आज से 15 साल पहले नहीं होता था ऐसा, मगर आज आपकी पर्सनैलिटी की बहुत वैल्यू है, और आपकी वो पर्सनैलिटी उन्हीं रूटेड कहानियों से बनती है जो आप बचपन से देखते हुए आ रहे हैं अपने इर्द गिर्द। यहाँ वो उतना नहीं होता क्योंकि यहाँ ह्यूमन कॉन्टैक्ट उतना नहीं है, सब इतने बिजी हैं, बहुत बड़ा शहर है, सब अलग अलग जगहों से आए हैं। हम जब छोटे शहरों में होते हैं तो हम सबको जानते हैं ना, आप जहाँ रहते हैं आप अपने इधर वाले को भी जानते हैं, इधर वाले को दो गली छोड़ के भी जानते हैं, उनके यहाँ भी कुछ होगा तो जाएंगे, अच्छा होगा तो जाएंगे, बुरा होगा तो जाएंगे। तो जो सेंस ऑफ कम्युनिटी होता है उससे एक बड़ी रिफाइंड पर्सनैलिटी बनती है, ऐसा मुझे लगता है, मेरा अपना मानना है। और वो पर्सनैलिटी बहुत काम आती है, मेरे बहुत काम आई है। मैं लखनऊ से हूँ, ताउम्र लखनऊ में रहा, 16 साल का था तब तक तो लखनऊ में था, 17 साल का एक्चुअली, फिर मैं लॉ स्कूल गया, 5 साल लॉ स्कूल करा और फिर ये करा, तो सारी जिंदगी लखनऊ में ही रहे यार, और वहीं जो बचपन में फाउंडेशंस बनी उसका फायदा ये। टू आंसर व्हाट कैन समवन इन लखनऊ डू, व्हाट यू आर डूइंग सुफियान, यू आर डूइंग ब्रिलियंटली वेल यार, एंड आई हैव नो क्वालम्स इन सेइंग यार, फॉर यू टू डू दिस सिटिंग इन लखनऊ हैविंग व्हाट 56,000 सब्सक्राइबर्स ऑन YouTube नाउ, that is जी. incredible, that is incredible, and anyone who's wanting to do this today, wanting to become a sports anchor, आपके पास है means, ये कैमरा ये माइक लगाओ और शुरू हो जाओ यार, रोज बात करो, प्रैक्टिस ही है ना, और कुछ भी नहीं है। दो चीजें हैं, एक तो स्किल है, एक आपकी स्किल लेवल है, और जी. एक आपकी नॉलेज है। अगर आपके पास दोनों हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तीसरा आपको उसको किसी किसी जगह डालना है जहां से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए वो। अब कहां, स्टार स्पोर्ट्स में लिमिटेड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, जियो में लिमिटेड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, क्रिक बज में लिमिटेड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, क्रिक इन्फो में लिमिटेड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, वो दरवाजे खटखटाओ। लेकिन जब उनका दरवाजा खटखटाने जाओ ना, तो एक बॉडी ऑफ वर्क लेके जाओ। दैट बॉडी ऑफ वर्क कैन बी द 600 वीडियोस दैट यू हैव डन। 2 साल से आप रोज क्रिकेट पे बात कर रहे हो, ठीक है, लेकर जाओ। उस पे व्यूज नहीं मैटर करते, जैसे आपका तो चैनल बहुत बड़ा है सुफियान, लेकिन मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो आज शुरू करना चाहते हैं, आप बात तो करना शुरू करो, क्योंकि हमें लगता है हम बात कर लेते हैं। मुझे भी लगता था यार मैं बहुत अच्छी बात करता हूँ। मैं पहली बार कैमरा के सामने जब गया था ना, और ये सुफियान आप भी एग्री करेंगे इससे, जब आप पहली बार कैमरा के सामने पीस टू कैमरा करते हैं, हमारे भाषा में आपने जो व्यूअर्स उनको बता दो, पीस टू कैमरा मतलब जब हम सीधे कैमरा को देखकर कुछ बात करते हैं, वो एक चीज करते हैं। आप एक्सरसाइज करो, चलो आप में से जितने भी लोग जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आपको ब्रॉडकास्टर बनना है, ठीक है, हमारे वाला काम करना है क्रिकेट ब्रॉडकास्ट, एक काम करो अपने फोन का फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा कुछ भी ऑन करो, और बगल में एक फोन या किसी चीज पे अलार्म लगा लो, 2 मिनट, 2 मिनट तक लगातार अपने फेवरेट क्रिकेटिंग टॉपिक पर बात करो उस माइक उस कैमरा में देखकर। दैट्स इट, राइट? इट्स वेरी इजी, साउंड्स वेरी इजी। आप करके देखो और फिर इसी के कॉमेंट सेक्शन में बताना मुझे, इंस्टाग्राम डीएम कर देना, सुफियान भाई को कर देना, हाउ डिफिकल्ट इज इट, क्योंकि हम जब आपस में वेरी डिफिकल्ट भाई, मुझे तो लगता था, मैंने 2019 की बात है, तब मेरी चैनल में इंटर्नशिप लगी हुई थी, उस टाइम इलेक्शन चल रहे थे, तो पहले मैं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट बनना चाहता था, ओके, और क्रिकेट तो मैं पहले से देखता ही था, तो हुआ क्या कि मेरे फ्रेंड ने बोला कि यार वर्ल्ड कप है, जब इलेक्शन खत्म हुआ आपको याद होगा, फिर वर्ल्ड कप था 2019 वाला, हमारे लोकसभा इलेक्शन के बाद ही वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, तो उसने कहा कि यार तुम्हारी एक 45 मंथ्स वो 45 डेज की इंटर्नशिप खत्म हो गई है, और 45 डेज की तुम और बढ़वा लो, और वर्ल्ड कप भी साथ में करते हैं, तो मैंने कहा ठीक है बढ़वा दो। वो इंटर्नशिप बढ़ी, तो फिर ये हुआ कि यार चलो तुम, मैं मोबाइल चलाता हूँ, तुम उसमें इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच का प्रीव्यू कर दो, जो तुमने अभी 2 घंटे पहले बताया था कि 2 स्पिनर खेलेंगे, तो हार्दिक खेलेगा कि केदार जाधव खेलेंगे कि डीके खेलेंगे, वो मैं कर ही नहीं पाया मैं कर ही नहीं पाया अपने दोस्त के सामने। ये आपको पता है उसकी वजह क्या है? आपको पता है उसकी वजह क्या है?
ये मैंने खुद ऑब्जर्व करी है कि जब जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, अब हम तो बहुत दूर बैठे हैं एक दूसरे से, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप जो नॉड कर रहे हैं, आप जो जी कर रहे हैं, इसको फीडबैक कहते हैं। तो मुझे फीडबैक मिल रहा है आपसे, तो मुझे पता है कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। अब आप एक कैमरा को देख रहे हो, अब ये कैमरा है मेरे फोन का, मान लो इसको मैं देख रहा हूँ, ये मुझे फीडबैक नहीं दे रहा यार। मैं इसीलिए व्यूअर्स के लिए बोल रहा हूँ कि आप ना चार लाइन बोलोगे, आपको चार लाइन में समझ में आ जाएगा कितना कठिन काम है ये। क्योंकि आपको फीडबैक नहीं मिलता ना, तो आपको समझ नहीं आ रहा। इंसान की प्रवृत्ति है ये, दिमाग ऐसे वायर्ड है हमारा। वी आर सो वायर्ड बिकॉज वी हैव ग्रोन अप टॉकिंग टू ईच अदर लाइक दिस। वी हैव ग्रोन अप टॉकिंग टू समवन हु इज नॉडिंग, लाइक आई एम टॉकिंग एंड सुफियान इज नॉडिंग राइट नाउ। सुफियान स्टॉप्स नॉडिंग राइट नाउ, आई विल स्टॉप टॉकिंग बिकॉज मुझे लगा इंटरनेट तो नहीं चला गया, क्या हो गया, ये सर क्यों नहीं जा रहा है। इट इज जस्ट फीडबैक। मैं जोक मारूं तुम हंसो नहीं, मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा, कह रहे यार ज्यादा हो गया क्या। दैट्स द थिंग एंड दैट इज द स्किल दैट यू डेवलप विद प्रैक्टिस। कोई पैदा नहीं होता इस स्किल के साथ, कैमरा पर बात करने की जो स्किल है इसके साथ कोई पैदा नहीं होता। और इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ, जब लोग मुझसे कई दफे घर वाले कहते हैं या कोई दोस्त मिलता है, वो कहता है कि भाई आप ना ये तो बड़ा ही बहुत मुश्किल काम है। मैंने कोई मुश्किल काम नहीं है, इससे आसान काम कोई नहीं है, बात करना कैमरा को देखकर। मगर ये स्किल है, ये धीरे धीरे डेवलप होगी, आप में से कोई भी कर सकता है।